अरे तो रोने नहीं वाली थी ये तो भगलो के बाद लास्ट आखिरी बार, जैसा कि आपने बोला आखिरी बार मिलते, आखिरी बार एक दूसरे को गले लगा रहे थे, आखिरी बार एक दूसरे के साथ कुछ फील कर रहे थे, आखिरी बार एक दूसरे के साथ रो रहे थे, आखिरी बार डर रहे थे, आखिरी बार एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन रहे थे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन रहे थे और सब एक साथ जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक हैवी हो गया था सबके लिए, बट कहीं ना कहीं मैं पिछले 5-6 दिन से डिसकनेक्टेड मेंटली तो मैंने खुद को कर रखा था, क्योंकि प्रिपेयर करना पड़ता है आपको खुद को कि ओके इट्स एंडिंग एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो आई थिंक आई वॉज प्रिपेयर्ड, इसलिए मैं ज़्यादा रोया धोया नहीं। आई थिंक वो फीलिंग पास हो चुकी है, बट ये लास्ट वाला जो शॉट था ना, लास्ट वाले जो शॉट था जहाँ हम आसमान में देख रहे हैं और वो रोशनी पड़ रही है और हमें पता है कि वक्त आ गया, थोड़ा हैवी था वो, पर पंड्यास का भी वक्त आ गया था और हमारा भी वक्त आ गया था। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ आवर शो, इट वाज अ फैमिली शो, तो परिवार ही था। और सबसे सुंदर बात यही है कि हम यहाँ एक परिवार कमा के जा रहे हैं, गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स हु स्टेड लाइक फैमिली इन अप्स एंड इन डाउन्स, एंड जो भी था बहुत यूनिटी थी टीम में, एंड ये यूनिटी मैं मिस करूँगा। एंड आई होप कि ऑल ऑफ अस कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स एंड कंटिन्यू टू मीट और ये टच कभी छूटे ना। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ जिस तरह कवर मुझे सपोर्ट करता है ना, मुझे नहीं लगता कोई किसी को कर सकता है। मैंने हमेशा बोला है, हर इंटरव्यू में बोला है और मैं अभी भी बोलूँगी और मैं बोलती रहूँगी आगे भी कि कवर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा है। दिन रात उसने कुछ नहीं देखा है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे लिए रहा है और बहुत ही इज़ गिवन अ लॉट ऑफ हिम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो या बट आई फील जब आप किसी से प्यार करते हो और जब आप किसी के साथ होते हो या नहीं भी होते हो, अगर कोई आपका दोस्त हो जिसके लिए आप कंसर्न हो, ये तो फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड है, और जब आप किसी से प्यार करते हो और उसे आपकी ज़रूरत होती है, तो अगर आप तब नहीं हो तो फिर क्या रिश्ता और क्या किसी के लिए होना। तो मैं ये मानता हूँ, मतलब ठीक है यार, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी एलिस भी होगी, उसे ज़रूरत होती है तो मैं होता हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ अ रिलेशनशिप शुड बी एंड दैट इज़ हाउ टू पीपल शुड बी। एंड कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, दुनिया बहुत कुछ कहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को अपना अपना देखना होता है एंड हम अपना अपना देखते हैं और क्या। सच अ गुड बॉयफ्रेंड, ही नोज डेट्स एंड एवरीथिंग। मेरा मॉकशूट था ना तेरे साथ, 7 को टेलीकास्ट थी मेरी, यस 8 को मेरी थी, मॉकशूट पे मिले थे और फर्स्ट इंटरेक्शन तो यही थी। सबको पता है फर्स्ट इंटरेक्शन क्या थी, जहाँ मैंने अपना नाम बताया और कवर ने पूछा ये नाम किसने दिया, कैसे पढ़ा। हे हाय, व्हाट्स योर नेम? एलिस। एलिस, हाउ कम एलिस? माय मदर यूज्ड टू वॉच एलिस इन वंडरलैंड। ओह थैंक गॉड माय फादर डिड नॉट वॉच फ्लिंटस्टोन्स, वरना मैं फ्लिंटस्टोन ढिलन होता। ये हमारा हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं? और इसके लिए तो ऐसा होगा कि कौन है साला, है क्या बातें कर रहा है ये, मतलब छी हंसू क्या इस पे, क्या कर रहा है। ऑडियंस ऑफ कोर्स, आई थिंक मौका मिलेगा जिंदगी में तो ये अपॉर्चुनिटी तो कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में काम करने मिलेगा, एक कंफर्ट लेवल होगा, व्हाई नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी, एक टीवी शो के अलावा अगर और कोई दूसरा मौका भी मिले तो शायद कहीं और दिख जाए आपको साथ में। सो नेवर से नेवर, फिंगर्स क्रॉस्ड, कभी ना कभी साथ में काम करेंगे। एंड अभी तो टू सून है कहने के लिए, पहले शिवा रावी की परछाई से हट जाए, बाहर निकल जाए पहले थोड़ा, हाँ थोड़ा बाहर निकल जाए, फिर देखते हैं, कभी ना कभी फिर से ऑन स्क्रीन दिखेंगे एंड वापस मुलाकात होगी। ये सबसे आखिरी मैसेज है फैंस को, शिवा की कविता बोल देता हूँ यार रवि को आखिरी बार, प्रेम नहीं बैराग पे प्रेम राग का असर हो गया, जो मन कैलाशी था वो काशी हो गया, ये मेल लिखा था उसने जो लिखा था सच हो गया, आज से शिवा की रवि, रवि का शिवा हो गया। है ना, ये पोएम, ये पोएम बहुत खूबसूरत, इस शो में कविताएं सिर्फ शिवा ने बोली है मेरे लिए। ये कविता मतलब इतनी दिल को छुई थी ना मेरी, जब पहली बार बोला था, साल भर के भी ऊपर हो गया कि मैं कविता भूला ही नहीं हूँ, और दोबारा अभी जब शिवा को होश आता है और वो ये कविता ऐसे बोलता है शादी के मंडप पर, मज़ा आ गया था, मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं और हमारे फैंस को भी गूज़बम्स आ जाते हैं उस मोमेंट पे, बिकॉज इतनी इतनी मीनिंगफुल कविता है। सो आई थिंक वील मिस बींग शिवा एंड रवि,
आज से शिवा की रावी और रावी का शिवा हो गया। हाँ, हमेशा के लिए मर गए साले, साथ में खत्म हो गए। तो थैंक यू हमारी ऑडियंस को, हमारे शिवी फैंस को, हमारे लड़के बड़े हुए थे, लड़के बड़े हुए थे और प्यार करते करते मर गए। पता नहीं अभी तो नहीं पता, पता नहीं भाई, पहले तो जाके तो थोड़ा सा रेस्ट करना है। हाँ, जाके सोने का सुकून, थोड़ी नींद कवर अप करने का सुकून, ढाई साल में जो रेस्ट नहीं मिला है वो करना है पहले तो। एंड क्या पता शायद जल्द मुलाकात हो जाए हमारी। सो सी यू सून नए किरदार में, नए रोल्स में। एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।